नमस्कार। राष्ट्रपति के विषय पर मैंने एक ई कंटेंट की एक श्रृंखला बनाई है। इस श्रृंखला के आज के इस लेक्चर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा विषय है राष्ट्रपति शासन। हमारे देश में वैसे तो संघात्मक व्यवस्था है, लेकिन कुछ प्रावधान एकात्मकता के भी शामिल किए गए हैं, कुछ प्रावधान इस तरह के भी हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हमारे देश में एक ही संविधान है, केंद्र और राज्य दोनों ही इसी संविधान से अपनी शक्तियां ग्रहण करते हैं और इसी के अनुसार देश का शासन चलाया जाता है। इस संदर्भ में जब एक ही संविधान है तो अनुच्छेद 355 इस बात का प्रावधान करता है कि केंद्र सरकार की ये ड्यूटी होती है कि वो इस बात का निरीक्षण करते रहे कि राज्यों का शासन संविधान के अनुसार चले। यदि राज्यों का शासन संविधान के अनुसार नहीं चलता है तो केंद्र सरकार राज्य के शासन को अपने नियंत्रण में ले सकती है और इसी को राष्ट्रपति शासन कहा जाता है या संवैधानिक संकट काल इसको कहा जाता है। इसके अंतर्गत राज्य सरकार को या राज्यों के कार्यों को केंद्र सरकार अपने हाथ में ले लेती है। इस राष्ट्रपति शासन लगाने के मोटे रूप से दो आधार होते हैं जिनके आधार पर ही केंद्र सरकार राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकती है। पहला जो आधार होता है, जो अनुच्छेद 356 में दिया हुआ होता है कि किसी राज्य का शासन संविधान के अनुसार यदि नहीं चलता है तो लगाया जा सकता है। यहां मैं उल्लेख करना चाहूंगी कि राष्ट्रपति अगर आश्वस्त हो जाता है राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर या दूसरे किसी सूत्र के आधार पर आश्वस्त हो जाता है कि राज्य का शासन संविधान के अनुसार नहीं चल रहा होता है, तो आश्वस्त होने पर वो वहां पर उस राज्य का शासन अपने हाथ में ले सकता है और उस राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा कर सकता है या संवैधानिक आपातकाल की घोषणा कर सकता है। इसी संदर्भ में एक अनुच्छेद और है 365, वो भी राष्ट्रपति शासन लगाने का एक आधार होता है और अनुच्छेद 365 में ये प्रावधान है कि यदि राज्य सरकारें केंद्र सरकार के निर्देश की पालना नहीं करती हैं या उन्हें असफल करने का प्रयास करती है, प्रभावीता को कम करने का प्रयास करती है, तो भी राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है या राज्यों का शासन राष्ट्रपति के अधीन आ जाता है। राष्ट्रपति इस तरह की उद्घोषणा कर सकता है। अर्थात राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए दो अनुच्छेद होते हैं, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 365। इन दोनों अनुच्छेद का सहारा लेकर राष्ट्रपति किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की घोषणा कर सकता है। घोषणा करने के पश्चात दूसरा जो स्टेप होता है राष्ट्रपति के पास, वो ये होता है कि उस घोषणा का संसद के द्वारा अनुमोदन कराया जाना आवश्यक होता है। राष्ट्रपति शासन की घोषणा होने के पश्चात 2 माह के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा इस घोषणा का अनुमोदन कराया जाना जरूरी होता है। मान लीजिए यदि लोकसभा का विघटन हो चुका होता है या लोकसभा घोषणा के तुरंत बाद या थोड़े समय के बाद अगर विघटित हो जाती है और ऐसे समय में अगर घोषणा होती है तो जो लोकसभा का पुनर्गठन होगा, दोबारा जो लोकसभा बैठेगी उसकी प्रथम बैठक तक के 30 दिन तक ये घोषणा जारी रह सकती है। इसके पश्चात इसका अनुमोदन होना जरूरी है, लेकिन इस शर्त पर यह जारी रहेगी कि राज्यसभा के द्वारा उस समय तक इस घोषणा को स्वीकार किया जाना जरूरी है। संसद जब इस घोषणा को स्वीकार करती है तो सामान्य बहुमत से इसको स्वीकार करती है। मैं यहाँ एक बात और नोट कराना चाहूंगी कि जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है तब संसद विशेष बहुमत से इसको स्वीकार करती है, लेकिन जब राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है तो संसद द्वारा सामान्य बहुमत से इसको स्वीकार किया जाना जरूरी होता है। जब दोनों सदन इसको स्वीकार कर लेते हैं तो राष्ट्रपति शासन 6 माह तक चलता है। इसे 6 माह की स्वीकृति के पश्चात, प्रति 6 माह की स्वीकृति के पश्चात अधिकतम 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। 44वें संविधान संशोधन के बाद इसमें एक प्रावधान और कर दिया गया है कि यदि 1 वर्ष के पश्चात इस राष्ट्रपति शासन को आगे बढ़ाया जाना है तो 2 कंडीशन होने पर ही बढ़ाया जाएगा। पहली कंडीशन यह होती है कि पूरे भारत में या किसी राज्य में या उस राज्य में राष्ट्रपति शासन राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया हुआ होगा, और दूसरी कंडीशन ये होती है कि निर्वाचन आयोग ये प्रमाण पत्र दे देता है कि उस राज्य में चुनाव कराया जाना संभव नहीं है, कुछ परेशानियां हो सकती है, इसकी वजह से वहां ये संभव नहीं है। यदि ये 2 कंडीशन
आ जाती हैं, लागू होती हैं, तो एक वर्ष के पश्चात उसको बढ़ाया जा सकता है। मैं यहाँ पुनः रिपीट करना चाहूंगी कि राष्ट्रपति शासन की घोषणा को 2 माह के अंतर्गत संसद की स्वीकृति लेना जरूरी है। संसद सामान्य बहुमत से इसको स्वीकार करती है और संसद द्वारा स्वीकार करने के पश्चात राष्ट्रपति शासन 6 माह के लिए लागू हो जाता है। फिर 6 माह के पश्चात संसद की पुनः स्वीकृति लेते हुए इसे अधिकतम 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है और 1 वर्ष के पश्चात तभी जारी रहेगा जब राष्ट्रीय आपातकाल हो या निर्वाचन आयोग चुनाव कराने में असफल होता है या नहीं करवाने की परिस्थितियां नहीं होती है, तभी उसको 1 वर्ष के पश्चात बढ़ाया जाएगा। इस उद्घोषणा को या राष्ट्रपति शासन को राष्ट्रपति अपनी एक उद्घोषणा के द्वारा कभी भी समाप्त कर सकता है और इस उद्घोषणा की समाप्ति के लिए संसद की मंजूरी लेना आवश्यक नहीं होती है। अब हमारे सामने ये आता है कि जब राष्ट्रपति शासन लग जाता है किसी राज्य में तो उसके क्या परिणाम हो सकते हैं, उसके क्या प्रभाव होते हैं। जैसे कि नाम से स्पष्ट है कि राष्ट्रपति शासन अर्थात राज्यों में राष्ट्रपति का शासन लागू हो जाता है और राष्ट्रपति के पास राज्य की समस्त शक्तियां कार्यकारी शक्तियां आ जाती हैं। राज्य के समस्त कार्यकारी अधिकारियों की शक्तियां राष्ट्रपति को प्राप्त हो जाती है। राष्ट्रपति चाहे तो संसद को आदेश दे सकता है कि उस राज्य की विधायिका की शक्तियों का वो संसद प्रयोग कर सकती है। राज्य के किसी भी प्राधिकार, किसी भी अधिकारी, किसी भी निकाय के संवैधानिक प्रावधानों को राष्ट्रपति निलंबित कर सकता है। सबसे बड़ी बात या जो सबसे बड़ा प्रभाव होता है वो ये होता है कि जब राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद को भंग कर सकता है राष्ट्रपति और राज्यपाल जो होता है राष्ट्रपति के नाम से या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किसी प्राधिकारी या सचिव की सहायता से राष्ट्रपति के नाम से उस राज्य का शासन चलाया जाता है। इसी के साथ साथ विधानसभा को भी निलंबित कर सकता है राष्ट्रपति और जो भी राज्यों के विधेयक होंगे, बजट होंगे, वो सब राष्ट्रपति के विचार रखे जाएंगे और उसी की सहमति से वो पारित होंगे। यदि लोग विधानसभा विघटित हो जाती है, मंत्रिपरिषद का निलंबन हो जाता है तो और संसद भी नहीं चल रही होती है तो संसद किसी राष्ट्रपति को या किसी अन्य व्यक्ति को विधि निर्माण के लिए कह सकती है और राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी किया जा सकता है। अर्थात राज्यों का शासन पूर्ण रूप से राष्ट्रपति के पास आ जाता है। राज्य सरकार राष्ट्रपति केंद्र सरकार के नियंत्रण में आ जाती है और केंद्र द्वारा ही सारे कार्य उनके किए जाते हैं। सबसे बड़ी बात एक यहाँ और है कि जब इस दौरान राष्ट्रपति शासन के दौरान जो भी नियम कानून बनाए जाएंगे, जो भी आदेश दिए जाते हैं, वो आपातकाल के बाद में भी प्रभावी रहते हैं, बशर्त कि राज्य विधायिका उन्हें वापस ले सकती है, परिवर्तित कर सकती है अथवा उन्हें भी लागू कर सकती है। यहाँ मैं आपको एक बात और शेयर करना चाहूंगी कि राष्ट्रीय आपातकाल में सारे अधिकारियों की शक्तियां राष्ट्रपति के पास आ जाती है लेकिन उच्च न्यायालय की जो शक्तियां हैं वो वैसे ही प्रभावी होती हैं जो पहले रहती हैं। अर्थात राष्ट्रपति के पास उच्च न्यायालय की शक्तियां नहीं आती हैं। इस तरह राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत राज्य सरकारें केंद्र सरकार के अधीन रहकर कार्य करती है और एक तरह से ऐसा लगता है जैसे एकात्मक व्यवस्था हो गई हो। अगर हम भारतीय इतिहास पर दृष्टि डालें तो अभी तक लगभग 125 बार इस राष्ट्रपति शासन की शक्ति का प्रयोग किया गया है। अर्थात औसतन प्रत्येक वर्ष में 2 बार इस शक्ति का प्रयोग होता आया है और अनेक बार तो राष्ट्रपति शासन मनमाने ढंग से राजनीतिक और व्यक्तिगत कारणों से लगाए गए हैं। और सबसे ज्यादा जो विवादास्पद जो विषय रहा है वो अनुच्छेद 356 रहा है। सर्वप्रथम अगर हम देखें तो सबसे पहले 1951 में पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। उसके पश्चात 1977 में जब आंतरिक आपातकाल के पश्चात कांग्रेस सरकार की पराजय हुई थी और मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जब जनता पार्टी की सरकार बनी थी उस समय पहली बार 9 कांग्रेसी राज्यों में एक साथ राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था और ये आधार बताया गया था कि ये सरकारें जनमत का आधार खो चुकी है। यही पुनरावृत्ति 1980 में फिर कांग्रेस सरकार ने की। जब वापस कांग्रेस सरकार आई तो उन्होंने 9 राज्य जो बीजेपी शासन थे, जनता पार्टी की सरकार थी वहां पर, उनको उन्होंने वापस राष्ट्रपति शासन लागू किया।
इस तरह बड़े पैमाने पर जो राष्ट्रपति शासन जो लगाया गया था तो 77 और 1980 में दोनों ही पार्टियों ने इसका इस तरह से प्रयोग किया गया था। उसके पश्चात 1992 में बीजेपी शासित राज्यों में राष्ट्रपति शासन की घोषणा की गई थी और उसका आधार था कि धार्मिक संगठनों पर लगाए गए प्रतिबंधों का राज्य सरकार पूर्ण रूप से पालन नहीं कर पाई। आपको मैं स्मरण कराना चाहूंगी कि उस समय बाबरी मस्जिद जो विध्वंस हुआ था, वो जो घटना हुई थी, उसके संदर्भ में यह राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। इसके पश्चात तो लगभग सभी राज्यों में एक अथवा दो बार राष्ट्रपति शासन का प्रयोग हो चुका है। जब इस राष्ट्रपति शासन का प्रावधान हमारे संविधान में जोड़ा जा रहा था, उस समय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने ये शब्द कहे थे कि ये एक मृत शक्ति होगी, एक मृत पत्र होंगे, मृत पत्र की भांति होंगे, इनका अंतिम विकल्प के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन अगर हम देखते हैं भारतीय इतिहास को तो ये मृत पत्र का जो बात मानी गई थी वो सही नहीं हुई और राज्य सरकार और विधायकों के लिए ये एक घातक हथियार सिद्ध हुआ। हालांकि जब इसका दुरुपयोग हुआ तो उसके पश्चात जो घटनाएं हुई, जैसे सहकारी आयोग बना 1988 में, उसने अपनी रिपोर्ट दी। इसके पश्चात 1994 में जो एसआर मुंबई जो केस आया सुप्रीम कोर्ट में, उसके पश्चात कुछ प्रतिबंध इसके ऊपर अवश्य लगा है। मैं यहाँ एसआर मुंबई मामला 1994 का जो केस था उसके संदर्भ में कुछ बात आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी। और इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक गाइडलाइन दी इस निर्णय के अंतर्गत कि राष्ट्रपति शासन जब लगाया जाए तो इन बिंदुओं का ध्यान रखा जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही कि राष्ट्रपति शासन लागू करने की राष्ट्रपति की ये जो शक्ति है वो न्यायिक समीक्षा योग्य है, अर्थात इसको हम न्यायालय में चुनौती दे सकते हैं। राष्ट्रपति को तर्कसंगत कारणों के आधार पर ही यह शासन लगाया जाना चाहिए और इस तर्कसंगत आधारों को स्पष्ट किया जाना चाहिए। यदि सुप्रीम कोर्ट ये देख पाता है कि ये असंवैधानिक है या अवैध है ये घोषणा, तो उस राज्य सरकारों को पुनः बहाल करने का अधिकार होगा। और कई बार सुप्रीम कोर्ट ने अनेक राष्ट्रपति शासन की घोषणा को असंवैधानिक घोषित भी किया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा था कि राज्य विधानसभा को तभी विघटित किया जाना चाहिए जब संसद की मंजूरी मिल जाती है। संसद की मंजूरी मिलने से पूरे विधानसभा को भंग नहीं किया जाना चाहिए। कोई भी केंद्र सरकार इस आधार पर राज्य सरकारों में राष्ट्रपति शासन नहीं लागू करेगी कि वहां किसी दूसरे पार्टी की सरकार है, लेकिन सांप्रदायिक आधार पर अगर राज्य सरकारें कुछ करती हैं तो उस आधार पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट की ये गाइडलाइन उस समय उन्होंने निर्धारित की थी। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कुछ परिस्थितियां बताई थी जिनके आधार पर अगर राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो उन्हें उचित माना जाएगा। वो परिस्थितियां मोटे रूप से इस प्रकार हैं कि मान लीजिए चुनाव के बाद किसी एक पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है, त्रिशंकु विधानसभा आती है और किसी कोई भी सरकार बनाने की स्थिति में नहीं होते हैं तो राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। इसी तरह अगर मंत्रिपरिषद त्याग पत्र दे देती है और कोई दल सरकार बनाने के लिए आगे नहीं आता है और कोई वैकल्पिक सरकार बनाने का कोई मुद्दा सामने नहीं आता है तो राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। इसी तरह अगर कोई राज्य सरकारें केंद्र सरकार के निर्देशों का पालन नहीं करती है, इनकार कर देती है, तो लागू किया जा सकता है। जब जानबूझकर अगर राज्य सरकारें संविधान के विपरीत कार्य करे और उसका परिणाम देश के लिए हानिकारक हो सकता है तो ये लागू किया जा सकता है। इस तरह सुप्रीम कोर्ट ने उचित अनुचित दोनों परिस्थितियों का सरकार के सामने स्पष्ट किया था तो सरकार को ये, केंद्र सरकार को ये ध्यान में रखा जाना चाहिए कि इन उचित परिस्थितियों में ही राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए। एक बार राज्य सरकार को चेतावनी दी जानी चाहिए, साथ ही राज्यपाल को भी वैकल्पिक सरकार की संभावना को तराशे बिना केंद्र सरकार को राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश नहीं करनी चाहिए। ये एक अंतिम विकल्प है। इस अंतिम विकल्प का इस्तेमाल सोच समझकर उचित परिस्थितियों और तर्कसंगत कारणों के आधार पर ही किया जाना चाहिए। मैंने मेरे पहले वाले लेक्चर में राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में आप लोगों के साथ चर्चा की थी और अभी हमने राष्ट्रपति शासन के बारे में चर्चा की। और अब मैं एक बात और आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी कि हमारे संविधान में एक तीसरे आपातकाल के प्रावधान का भी वर्णन किया गया है, वो है अनुच्छेद 360। यदि राष्ट्रपति ये संतुष्ट हो जाए कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि केंद्र सरकार या राज्य के किसी
भाग में उसके वित्तीय स्थायित्व को अगर खतरा उपस्थित हो या संभावना हो तो राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। वित्तीय आपातकाल की घोषणा को भी जिस तरह राष्ट्रपति शासन की घोषणा की स्वीकृति के नियम है वही उसके ऊपर भी लागू होते हैं, अर्थात घोषणा के 2 महीने के अंतर्गत संसद के समक्ष उसे रखा जाना जरूरी है। और यदि लोकसभा विघटित होती है तो लोकसभा का पुनर्गठन जब हो जाए और उसकी बैठक के 30 दिन तक ये प्रभावी रहेगी और इस दौरान राज्यसभा द्वारा उसे पारित किया जाना जरूरी है। यदि एक बार संसद इसको मंजूरी दे देती है तो वित्तीय आपातकाल अनिश्चित काल के लिए प्रभावी रहेगा और ये जब तक चलेगा जब तक इसको राष्ट्रपति वापस नहीं ले लेता है। अर्थात मैं यहाँ स्पष्ट करना चाहूंगी कि वित्तीय आपातकाल के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की है और इसे जारी रखने के लिए संसद की मंजूरी आवश्यक नहीं है। वित्तीय आपातकाल की घोषणा को भी संसद सामान्य बहुमत द्वारा ही स्वीकार करती है और राष्ट्रपति अपनी उद्घोषणा करके इसको कभी भी वापस ले सकता है। वित्तीय आपातकाल के जो प्रभाव होते हैं वो मोटे रूप से 3 प्रभाव यहाँ पर परिलक्षित होते हैं, परिणाम होते हैं। सबसे पहले कि केंद्र की शक्तियों में विस्तार हो जाता है और केंद्र राज्यों को आवश्यक वित्तीय आदेश निर्देश दे सकता है। दूसरा जो मोटा प्रभाव होता है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अधिकारी और कर्मचारियों के वेतन भत्तों में कमी की जा सकती है। और तीसरा जो मेन प्रभाव होता है कि राज्य सरकार के जितने भी वित्त विधेयक होंगे वो राष्ट्रपति के विचारात रखे जाएंगे और वहां पर सहमति मिलने के पश्चात ही लागू किए जाएंगे। इस तरह वित्तीय आपातकाल में राज्यों के सभी वित्तीय मामले केंद्र सरकार के नियंत्रण में आ जाते हैं। लेकिन मैं यहाँ पुनः आपको ये बात स्मरण कराना चाहूंगी कि आज तक भारत में कभी भी वित्तीय आपातकाल लागू नहीं किया गया है। हाँ, 1991 में एक बार वित्तीय स्थिति हमारी थोड़ी सी संकट आया था, लेकिन फिर भी वित्तीय आपातकाल की घोषणा नहीं की गई थी। धन्यवाद।